आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 3 में हम देखने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप है फर्स्ट, जिनको हम देखेंगे, और उसके बाद अगला हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या। इट इज़ एन मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास अलाउ अस टू क्रिएट अ न्यू क्लास डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास पेरेंट क्लास क्लास डिराइव्ड क्लास इनहेरिट द फंक्शंस फ्रॉम बेस क्लास एंड द एडिशनल फंक्शन टू। ये मैं आपको बता देता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में ये इसका मतलब है कि ये इक्वेयर करता है, यानी कि एक दूसरे के, मतलब चाइल्ड क्लास, इसमें दो क्लासेज होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास, जिनको हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें चाइल्ड एक क्लास जो हमने बनाई होती है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, उसके फंक्शंस को, उसके डेटा मेम्बर्स को एक्सेस कर सकता है, और डिराइव क्लास यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शंस को वो यूज़ कर सकती है इसको, और उसके अपने एडिशनल फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आप इसकी टाइप्स को देख लेते हैं और उनको उनकी एग्जांपल भी करके प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। टाइप में सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद है मल्टीपल, फिर हायरार्किकल, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद हाइब्रिड है। तो सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस को देखते हैं और इसकी एग्जांपल भी करेंगे। इट इज़ एन सिंगल, इट हैज़ अ सिंगल बेस क्लास एंड अ सिंगल चाइल्ड क्लास। इसमें एक सिंगल बेस क्लास होती है और एक सिंगल चाइल्ड क्लास होती है, और इसमें एटलीस्ट दो क्लासेस होते हैं। तो इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं और उसकी एक एग्जांपल को हम करेंगे भी प्रैक्टिकली, प्रोग्राम भी हम करेंगे। एनिमल ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, के जैसे एनिमल है, एनिमल एक लिविंग थिंग है, ह्यूमन भी एक लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग एक पेरेंट क्लास है जिसे ड्राइव कौन सी क्लास हुई, एनिमल, जो आल्सो एक लिविंग थिंग है। अब कार ड्राइव फ्रॉम व्हीकल, अब व्हीकल में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कार जो है हमारे पास ड्राइव, कार हमारे पास चाइल्ड क्लास है और उसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, व्हीकल। तो इसकी एक एग्जांपल को हम करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम सिंगल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल को करके देखेंगे। हैश इंक्लूड IO stream using namespace std। अब यहाँ पर हम मेन से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ में हम मेन से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता दिया, क्लास जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो हम वेरिएबल्स लेते हैं या जो डाटा मेम्बर्स होते हैं उनकी मेमोरी की एलोकेशन नहीं होती, लेकिन जब हम उनको मेन में लाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, तो वो उनको उनकी इनिशियलाइजेशन और उनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है मेन में। अब यहाँ पर क्लास हम बनाएंगे, यहाँ पर क्लास का नाम हम रख लेते हैं लिविंग थिंग्स। द लिविंग थिंग्स यहाँ पर हमने क्लास का नाम रख दिया, और एनिमल रख लेते हैं, उसमें हम डॉग या कैट को ले लेंगे। तो एनिमल, तो लिविंग थिंग में तो ह्यूमन भी आ जाता है, और एनिमल की एक क्लास लेते हैं। और यहाँ पर हम पब्लिक में, जैसे कि ऐसा स्पेसिफाइज के पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि पब्लिक जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे उनके डाटा मेंबर्स को हम असेस कर पाएंगे हर जगह, मेन में भी, चाइल्ड क्लासेस में, कहीं भी। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेग्स, यहाँ पर हम दो डाटा मेंबर्स को ले लेते हैं, लेग्स इंटीजर्स में, इंट लेग्स, और लेग्स हमारे पास बराबर हैं 4 के, यहाँ पर इनको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। और उसके बाद हम लेग्स के बाद अगली जो चीज़ है टेल एक ले लेते हैं, इंट टी। अब ये नहीं है कि हर एनिमल की टेल होती है, आई थिंक सो होती है,
वन टेल कर देते हैं, क्योंकि कैट डॉग्स जो होते हैं यहाँ पर उनको हम लेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर हमने दो डाटा मेंबर्स को लिया, एक लेग्स को और दूसरा हमने लिया उसको एक टेल को। और यहाँ पर हम अब चार क्लास बनाते हैं। यहाँ से क्लास एनिमल के बाद हम यहाँ पर कैट की ये क्लास बना देते हैं, आप चाहें तो डॉग या कोई भी, मतलब कोई भी। और यहाँ पर उसके बाद पब्लिक में, क्योंकि कैट एक एनिमल ही है ना, पब्लिक के बाद यहाँ पर ये एनिमल की चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पर एनिमल आ जाएगा। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर इसको निचली लाइन पर ले आते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर एक सेमी कोलन पहले लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम किस तरीके से ये वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैट जो है चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शन में, ऊपर हमने डाटा मेंबर बनाए थे, तो नीचे यहाँ पर पब्लिक में हम फंक्शन बना देते हैं, कोई भी वॉइड शो नाम से एक फंक्शन हमने बता दिया बना दिया। फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन सी प्लस प्लस में हम पढ़ चुके हैं, उनको एक कर देते हैं। और यहाँ पर हम सी आउट करवा देते हैं, आई लाइक मिल्क हैंडल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक बेस क्लास भी हमने बना दी, एक चाइल्ड क्लास भी बना दी। अब हम ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है। इंट मेन, मेन में देखने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे, किसका, हम कैट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास है। और चाइल्ड क्लास अब आप देखेंगे कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को वो यूज़ करेगी। और एस एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एस डॉट लेग्स, अब डॉट कैट। तो अब ये देखें, एस के बाद जब हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो हमें वो लेग्स लेग्स का भी दे रहा है और हमें वो सब फंक्शनैलिटीज दे रहा है। यहाँ पर ये देखें एस डॉट लेग, लेकिन ये अभी इससे पहले मैं कुछ सी आउट भी करवा लेता हूँ। सी आउट लेग्स आर, और यहाँ पर ये भी ताकि ये अलहदा हो जाए। ये एस डॉट लेग को मैंने एक्सेस किया, यहाँ पर ये लेग जो कि एनिमल की प्रॉपर्टी थी, जो एनिमल का डाटा मेंबर था, उसको हमने यूज़ किया चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं कि एक क्लास दूसरे एक से ज़्यादा क्लासेस या क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे, उसको यूज़ करे, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर लेग से अब हमने टेल एक फंक्शन यूज़ किया था, तो टेल इज़ इक्वल हम करेंगे। और यहाँ पर अभी एस से हम डॉट का यूज़ करके टेल कर देंगे, टेल को कॉल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एंडल, अब ये दोनों पेरेंट क्लास के फंक्शन थे लेकिन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ये एक्सेस हो रहे हैं। अगर ये इसकी चाइल्ड क्लास नहीं होती, लेट्स सपोज यहाँ पर हम एनिमल को ही यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एनिमल को ही अगर यहाँ से ख़त्म हमने कर दिया, तो ये एस के बाद जब हम कुछ भी लिखेंगे तो एस के बाद क्या होगा, एस डॉट ये सिर्फ शो के फंक्शन को ही कॉल करेगा, यानी कि ये सिर्फ अपनी ही फंक्शंस को कॉल कर सकता है। लेकिन जब वो उसकी पेरेंट क्लास होगी या वो किसी का चाइल्ड होगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर पाएगा। अब यहाँ पर पब्लिक मैंने एनिमल लिखा, तो अब यहाँ पर वो उसको एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पर एस डॉट, अब यहाँ पर लेग्स थी तो ये फर्स्ट लेग को यूज़ करेगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट ये इससे नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं, यहाँ से इससे भी नीचे वाली, सी आउट, सी आउट नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्ट उसको कॉल कर देते हैं एस डॉट शो को।
और यहाँ पर हम कुछ सी आउट करवा देते हैं ताकि ये डिफरेंट लगे कुछ एक दूसरे से। हैंडल और यहाँ पर भी हम कुछ सी आउट करवाएंगे, सी आउट ये हैंडल। अब इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो रहा है। प्रोसेस कर रहा है, एक दो मिनट में शायद ये आउटपुट दे दे, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर उसने आउटपुट को शो कर दिया, तो यहाँ पर आउटपुट में थोड़ा सा यहाँ पर हम इक्वल का एक साइन लगा देंगे तो वो कुछ बेहतर हो जाएगा। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ये देखें लेग इज इक्वल टू 4, टेल इज इक्वल टू 1 और आई लाइक मिल्क जो कि शो का फंक्शन था उसने डायरेक्ट उसको कॉल कर दिया।